हेलो दोस्तों, किरण किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भेल की रेसिपी बताऊंगी। दोस्तों, अगर ये आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, जब आपको भूख लग रही हो हल्की हल्की, छोटी भूख के लिए ये भेल बनाई जाती है और ये पहले के टाइम में लोग बहुत खाते थे। आजकल थोड़ा कम हो गया, बट ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो अब दोस्तों शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ सब्जियाँ काट ली हैं, तो इसमें मैं यहाँ पे सबसे पहले टोमेटोज डालूंगी। यहाँ पे मैंने एक टमाटर काटा है, चॉप कर लिया है। और यहाँ पे दोस्तों मैं प्याज डालूंगी। यहाँ पे मैंने एक छोटा प्याज कट कर लिया है। और यहाँ पे दोस्तों मैं थोड़ा हरा धनिया डालूंगी। और यहाँ पे थोड़ी मैं ग्रीन चिली डालूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और दोस्तों, अब मैं इसमें भेल डालूंगी। ये भेल का पैकेट आसानी से अवेलेबल होता है मार्केट में, तो ये मैं दोस्तों भेल इसमें ऐड कर रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमने इसमें भेल ऐड कर दी है और इसको अब हम मिक्स कर देंगे इस तरीके से। तो दोस्तों, मैंने इसमें भेल डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और दोस्तों, ये इस टाइप के यहाँ नमकीन मिलती है, ये चिप्स टाइप, ये मैं इसमें क्रश करके मैंने थोड़ा हल्के से डाल दिए हैं। ये भी आसानी से अवेलेबल होते हैं दुकानों पर, या आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं इसमें। और दोस्तों, मैंने यहाँ पे ये ग्रीन ग्रीन चिली जो मैंने चटनी बनाई हुई है, यहाँ पे कोरिएंडर वाली धनिया की, वो मैं इसमें थोड़ा ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं रेड चिली का यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ये ग्रीन चिली की चटनी बना के डाल दिया। और ये दोस्तों रेडीमेड चटनी है रेड वाली, ये मैं इसमें एक चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ खट्टा मीठा करने के लिए। इसको भेल को 1 से 2 चम्मच आप डाल सकते हैं इसमें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये चीज़ें डाल दिया। और यहाँ पे दोस्तों मैंने चंकी चाट मसाला लिया है, ये आसानी से अवेलेबल होता है, ये मैं इसमें 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने दोस्तों 1/2 से थोड़ा कम टीस्पून, मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक लेमन लिया है और उसको 2 टुकड़ों में काट कर मैं यहाँ पे स्क्वीज कर रही हूँ इस तरीके से। और दोस्तों, आप इसमें रेड चिली का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रेड चिली खाते हैं तो आप इसमें रेड चिली ज़रूर डालिए, तभी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और दोस्तों, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए इस तरीके से। और दोस्तों, अब इसमें हम ये नमकीन आती है एक हमारी सेव, वो हम इसमें ऐड करेंगे, ये भी आसानी से अवेलेबल होती है मार्केट में। और दोस्तों, अब इसको अच्छे तरीके से हम ऊपर से नीचे तक धीरे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे भेल बन के बिल्कुल रेडी है। आप इसको हरा धनिया डाल के ऐसे ही परोसे और ये खाने में दोस्तों बहुत ही यम लगती है। ये खट्टा मीठा जब भी आपका खाने का मन करे तब आप ये भेल घर पर बनाए, और आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चे भी इसे खूब इंजॉय करते हैं। अगर दोस्तों आपको ये भेल की रेसिपी मेरी पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।